मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर कल शाम एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। पुलिस के मुताबिक बाहर से ये ग्रेनेड दागा गया, इससे इमारत के शीशे टूट गए। फिलहाल पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया है। धमाके के बाद आनन फानन में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मीडिया को भी दफ्तर से दूर रोक दिया गया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। राहत की बात ये थी कि बिल्डिंग के आसपास रिहायशी इलाका नहीं है। अब पंजाब पुलिस एक और कड़ी जोड़ रही है। एक दिन पहले ही तरनतारन में 1.5 किलो RDX और दूसरे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाके का तरनतारन RDX से कोई कनेक्शन तो नहीं है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर जिलेटिन से भरा बैग मिलने से हड़कंप मच गया। ये बैग स्टेशन के सामने पुलिस बूथ के पास मिला। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से बैग खोला तो उसमें जिलेटिन की 54 छड़ें थी। इसके बाद RPF और GRP ने उस परिसर को घेर लिया। बैग में जिलेटिन के साथ साथ पावर सर्किट भी था जो विस्फोट के काम आता है। CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है जिससे ये पता चल सके कि बैग किसने रखा था। मुरादाबाद मंडल के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी वाली चिट्ठी मिलने के बाद RPF ने सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। धमकी देने वाले ने 21 मई की तारीख दी है। ये चिट्ठी मुरादाबाद मंडल के रुड़की रेलवे स्टेशन मास्टर के पास आई थी। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज अदालत सर्वे को लेकर नई तारीख देगा। इससे पहले कोर्ट के आदेश के बावजूद सिर्फ एक दिन ही सर्वे हो सका था। सर्वे के लिए पहुंची टीम के मस्जिद में जाने का विरोध हुआ था। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि कोर्ट के आदेश में मस्जिद के अंदर सर्वे की बात नहीं कही गई है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरे परिसर का निरीक्षण करना जरूरी है। श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए ये बेहद जरूरी है। इस बीच हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह ने साफ किया है कि वो अपना केस वापस नहीं लेंगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की याचिका दाखिल की गई। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त किया जाए और मस्जिद में मौजूद ओम, स्वास्तिक, कमल और हिंदू कलाकृतियों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराकर सभी तथ्य न्यायालय के सामने पेश किया जाए। राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर से पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि हम सबके लिए ये समय कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का है, हमें आत्म आलोचना की जरूरत है। उन्होंने पार्टी में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा करते हुए कहा, हम चिंतन शिविर के दौरान 6 समूह में विचार विमर्श करेंगे। राजनीतिक और संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक न्याय, किसान, युवा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पंजाब पुलिस और STF के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य में फैले नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने की वकालत की। उन्होंने राज्य ATF को बिना दबाव कार्रवाई करने के आदेश दिए। भगवंत मान ने कहा कि हमारे नौजवान पीड़ित हैं, दोषी नहीं। पहले बेचने वालों को पकड़कर नशे की चेन तोड़ी जाएगी, फिर नौजवानों का पुनर्वास भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसने देशद्रोह का कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A की वैधता की जाँच और पुनर्विचार किया जाएगा।